ओके तो पार्ट टू में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन रिकॉल करेंगे एक बार कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होते हैं, पोल्स और जीरोस क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. दीज आर ऑल द टूल्स जिस पे स्टेबिलिटी एनालिसिस डिपेंड करता है. सो एक बार जो है वो अगर नहीं याद है तो इसे दोबारा आप रिकॉल करेंगे. जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वहाँ पर ये कम्प्लीट हो चुका है क्लास में. सो यहाँ पे टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, पोल्स एंड जीरोस, नेचर ऑफ रूट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस. ट्रांसफर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पोल्स एंड जीरोस एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये सारा चैप्टर नंबर 2 में जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाया गया है वहाँ पर बताया गया था एक बार आप लोगों को अगर क्लास में आप ध्यान करेंगे. यहाँ आपको जो है स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए दोबारा इन सारे चीजों को यहाँ पर नोट डाउन करना होगा अपनी कॉपी में. दीज आर द टूल्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ to use these tools. So characteristic equation of a closed system क्या है? Characteristic equation is nothing but is the denominator of the transfer function of the system and it is an algebraic equation. What do you mean by roots of characteristic equation? Roots of characteristic equation is nothing but the solution of the characteristic equation. That is the different value of s which we will obtain after solving the characteristic equation. So once you will solve the characteristic equation, roots can have different nature. They can be either real और इमेजिनरी ओनली और कॉम्प्लेक्स नंबर. सो उसका सिग्निफिकेंस है जब उसको हम प्लॉट करते हैं पोल जीरो प्लॉट पे. सो डिफरेंट लोकेशन ऑफ रूट्स विल इंडिकेट द डिफरेंट टाइम रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम. टाइम रिस्पॉन्स कैन बी डैम्प्ड रिस्पॉन्स और नॉन डैम्पिंग रिस्पॉन्स means undamped response or maybe infinite response. So S plane is nothing but the pole zero plot जो आप देखते हैं जहाँ x axis पे real number आप plot करते हैं, y axis पे imaginary number plot करते हैं. How poles and zeros are marked on the S plane है ये question जो है आप एक बार next slide पे देखिए. सो दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ कि हमने जो है रिकॉल करें इन द क्लास सेशन ऑफ चैप्टर 2 हमने ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिस्कस किया था, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिस्कस किए थे, एस प्लेन दैट इज 4 0 प्लॉट भी डिस्कस किया था, नेचर ऑफ रूट्स एंड इट्स लोकेशन भी डिस्कस किया था. इधर एक बार रिमाइंड करने के लिए दोबारा देखेंगे राइट साइड में फिगर में कि जो एस प्लेन है दैट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन एंड द पोल्स एंड जीरोस. पोल्स एंड जीरोस आर द सॉल्यूशन, पोल्स एंड जीरोस आर द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. तो जब न्यूमरेटर में भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे उसके जो रूट्स आएंगे उसको हम जीरोस बोलेंगे, और डिनोमिनेटर के ट्रांसफर फंक्शन को जब सॉल्व करेंगे उसके जो रूट्स आएंगे उसको पोल्स भी होंगे. जो जीरोस होते हैं उसको हम यहाँ जो राइट साइड में आप बी देख रहे हैं फिगर बी, इसमें देखिए हमने जो है एक एनसर्कल करके मार्क किया इस पोजीशन पे, और जो पोल्स होते हैं उसे हम क्रॉस करके मार्क करते हैं. तो इस पोजीशन पे इस फिगर में जो सारे हैं पोल्स और जीरोस ये रियल नंबर हैं, इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं है, और 0 and -7 आर द पोल्स एंड -1 and -5 आर द जीरोस. इस टॉपिक में स्टेबिलिटी एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलोंग द ग्राफिक मीनिंग जो कि नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. फिजिकल इंटरप्रिटेशन अलोंग इन ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पोल लोकेशन चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है. दिस इज अ वेरी समराइज्ड वर्जन, दिस इज अ वेरी पावरफुल पिक्चर. इसको ध्यान से देखिए आपकी यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स और पोल जीरो लोकेशन दोनों को दिखाया गया है. सो इस पोल जीरो प्लॉट को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट लेफ्ट हाफ प्लेन है जो कि एक स्टेबल रीजन को इंडिकेट करता है, राइट पार्ट जो है वो अनस्टेबल रीजन को इंडिकेट करता है, और इमेजिनरी एक्सिस जो है वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम को इंडिकेट करता है. सो अगर आप देखेंगे कोई सिस्टम इमेजिनरी एक्सिस पे है, जैसे कि आप S3 को देखिए और S6 को देखिए. सो सबसे पहले आप S6 को देखिए एक बार जो कि ओरिजिन पे है 0,0 पे. तो S6 मींस अगर कि किसी भी सिस्टम का जो रूट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट है वो 0 पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है सिस्टम का जो रिस्पांस है वो कांस्टेंट है. सिमिलरली अगर कोई भी रूट जो है वो राइट हैंड प्लेन में लाई कर रहा है,
वो एक्सेस पे लाई करे या इन या फिर इस एक्सेस के अबव या डाउन लाई करे, इट इज गोइंग टू बी एंड एवर लास्टिंग इंक्रीजिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम। आप यहाँ देखिए दो पार्ट है, राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में देखिए, ऊपर में एक जो है वो एवर लास्टिंग इंक्रीजिंग ऑसिलेशन सिस्टम दिखा रहा है, ये जो है वो इमेजिनरी पोर्शन में डिपेंड करेगा ऑसिलेटरी पार्ट, लेकिन ये राइजिंग पार्ट जो है डिपेंड करेगा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जो सॉल्यूशन आएगा, रूट आएगा, उसके दो पार्ट होंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव बता रहा है कि एक्सपोनेंशियली ये सिस्टम का रिस्पॉन्स बढ़ते चला जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट बता रहा है कि इसमें ऑसिलेशन भी होगा। अगर आप स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड आते हैं, जहाँ आप इमेजिनरी एक्सिस पे पहुंचते हैं, जहाँ आपका S3 है, S3 0.B3 लिखा है और यहाँ 0.-B3 लिखा है नेगेटिव एक्सिस पे। सो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर है, इमेजिनरी जो एक्सिस सॉल्यूशन होते हैं वो कंजुगेट आते हैं। तो यहाँ पे रियल टर्म जो है वो 0 हो गया। रियल टर्म का मतलब है एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है, एक्सपोनेंशियल जो इसके ऊपर बिहेवियर हम सुपर इम्पोज कर रहे थे वो 0 है। इसका मतलब कि इस तरह के रूट्स का इंडिकेशन है कि सिस्टम में सिर्फ ऑसिलेशन होगा और कोई ना तो राइजिंग एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल पार्ट है। सो इट इज अ अनडैम्प्ड सिस्टम एंड इट विल बी ऑलवेज ऑसिलेटिंग। जिस तरह जब हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के आते जाते हैं, आप देखते हैं कि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव का मतलब है, अगर आप यहाँ बिल्कुल लेफ्ट साइड नेगेटिव में देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है। सो जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो बता रहा है कि ऑसिलेशन है। जो आप ऊपर लेफ्ट साइड के पहले सबसे ऊपर वाले ग्राफ में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो ये बताता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर कि सिस्टम में ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी क्या है। लेकिन जो रियल पार्ट नेगेटिव हो ये बताता है कि ये ऑसिलेशन जो है स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखिए कि नेचर ऑफ रूट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है बताएगा कि सिस्टम में जो रिस्पॉन्स है वो स्लोली डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है। अगर वो वैल्यू नेगेटिव रियल पार्ट है तो मतलब है कि सिस्टम का रिस्पांस डिक्रीज करते जाएगा स्लोली स्लोली। अगर वो रियल पार्ट है तो इसका मतलब होगा कि जो भी सिस्टम का रिस्पांस होगा वो स्लोली स्लोली इंक्रीज करता जाएगा, एक्सपोनेंशियल राइज करेगा। अगर रियल पार्ट 0 होगा तो इसका मतलब है ना तो वो राइज करेगा ना वो फॉल करेगा रिस्पांस, वो ऑसिलेट करता रहेगा अगर उसके पास एक इमेजिनरी वैल्यू है। अगर वो 0 एक्सिस पे, इसका मतलब रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। रियल पार्ट का 0 है मतलब है कि ना तो वो राइजिंग रिस्पॉन्स दिखा रहा है एक्सपोनेंशियली, ना वो एक्सपोनेंशियली डैम्पिंग रिस्पॉन्स दिखा रहा है। इमेजिनरी एक्सिस भी अगर 0 है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं, यानी वो 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस है। इसका मतलब अल्टीमेटली वो एक डीसी रिस्पांस है। सो फाइनली जो लास्ट पर स्लाइड है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी इन अ कंट्रोल सिस्टम। तो तीन तरह की स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। अगर वो LHS में है, लेफ्ट हैंड प्लेन में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो एक स्टेबल सिस्टम होगा। और अगर वो राइट हैंड साइड में है तो एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। और अगर वो बॉर्डर पे, यानी वो सिर्फ वाई एक्सिस पे है, तो वो एक मार्जिन स्टेबल सिस्टम होगा। स्टेबल सिस्टम का मतलब है कि कोई भी डिस्टर्बेंस जिसको हम देंगे सडन, इट विल मे बी ऑसिलेशन उसमें कॉन्टेंट हो, इट विल जस्ट डैम्प आउट। और अगर राइट साइड में है तो इसका मतलब है कि जो भी आप स्मॉल डिस्टर्बेंस देंगे इट विल बी राइज एक्सपोनेंशियली, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मार्जिनल स्टेबिलिटी सिस्टम का मतलब है कि अगर कोई उसको आपने एक्सटर्नल इनपुट दिया तो वो ऑसिलेशन में चला जाएगा। सो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर सिस्टम में लेफ्ट हैंड प्लेन में जो पोल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस पे है, नेगेटिव पोर्शन रियल एक्सिस में, तो रिस्पॉन्स कैसा होगा? तो रिस्पॉन्स होगा ओनली एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स। अगर वो रियल एक्सिस में भी है और कुछ पार्ट उसका इमेजिनरी एक्सिस में भी है तो वो एक्सपोनेंशियली डैम्पिंग साइनसॉइडल ऑसिलेशन होगा। उसी तरह से अगर कोई सिस्टम जो है वो राइट साइड में, राइट हैंड प्लेन के सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, रियल एक्सिस पे है, तो इट विल बी एन एक्सपोनेंशियली राइजिंग रिस्पॉन्स। और अगर वो अबव द एक्सिस है और बिलो द एक्सिस है तो इट मीन्स कि इट विल बी एन एक्सपोनेंशियली राइजिंग ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स।